ड्रैगन के घर से निकला जानलेवा कोविड-19 से समूची दुनिया त्रस्त है। दिन पर दिन इस किलर वायरस का बढ़ता संक्रमण लोगों को काल के मुंह तक पहुंचा रहा है। भारत में भी गली गली, शहर शहर, राज्यों में इस वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है। दीदी भी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोक नहीं पाई। असल में पश्चिम बंगाल में अब तक 310 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच जब 24 घंटे के भीतर जब एकदम से 162 नए मामले सामने आए, तो सूबे की राजनीति में तहलका मच गया, या फिर यूं कहें कि कोविड-19 के चलते पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी खेमे से सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, शवों को ठिकाने लगा रही है दीदी। असल में मृतकों के आंकड़े को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी दावा कर रही है कि ममता सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं की नंदीग्राम आंदोलन में शामिल सीपीआईएम से की है। उनका कहना है कि जिस तरह नंदीग्राम आंदोलन में सीपीआईएम ने लोगों को मारकर उनके शवों को ठिकाना लगाया था, ठीक उसी तरह आज टीएमसी कार्यकर्ता शवों को ठिकाना लगा रहे हैं, ताकि मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल सके, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इंसानियत के खिलाफ बड़ा अपराध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिलीप घोष ने ममता सरकार के राशन प्रणाली का भी काला चिट्ठा खोल दिया। राज्य सरकार पर राशन प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खाद्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। जब से ममता सरकार ने प्रदेश के खाद्य सचिव को हटाया है, तभी से राशन प्रणाली को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बहरहाल कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते पश्चिम बंगाल इस वैश्विक महामारी से जकड़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके उन्हें सील कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे इन गंभीर आरोपों पर टीएमसी की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना बाकी है।